प्रिय छात्रों, बही खाता लेखाकर्म कक्षा 12वीं लेखांकन अनुपात के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ इसके पूर्व में हमने लेखांकन अनुपात के लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत जो है पूर्व में हमने सकल लाभ अनुपात और शुद्ध लाभ अनुपात की गणना की थी। दूसरा जो बिंदु है इसमें संचालन अनुपात। तो इसके पूर्व जब हमने देखा था कि सकल लाभ अनुपात में कि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो सकल लाभ अनुपात का जो सूत्र था, सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटे कुल विक्रय गुणित 100। इस आधार पर जो है हम सकल लाभ अनुपात की गणना करते थे। वहीं दूसरा जो अनुपात हमने ज्ञात किया था पिछले अध्याय में शुद्ध लाभ अनुपात, तो उसके आधार पर जो है हम यहां पर गणना करते थे कि शुद्ध लाभ अनुपात बराबर शुद्ध लाभ बटे कुल विक्रय इंटू 100। अब यहाँ पर दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम यहाँ पर आज गणना करेंगे संचालन अनुपात एवं व्यय अनुपात क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संचालन अनुपात। तो एक कंपनी की अनुपात संचालन लागत व संचालन से जो आय है वो शुद्ध विक्रय के मध्य संबंध स्थापित करता है। अर्थात संचालन अनुपात जो है वो हमें यह बताता है कि कंपनी की संचालन लागत और संचालन से जो प्राप्त आय है अर्थात शुद्ध विक्रय, इन दोनों के बीच में क्या है, एक संबंध कोरिलेशन को स्थापित करता है। संचालन लागत से यहां पर जो आशय है वो बेचे गए माल की लागत व संचालन व्ययों के योग से लगाया जाता है। यहां पर जो संचालन लागत है वो क्या है, जो माल बेचा गया है उसकी लागत, माल को बेचने के लिए जो लागत आई, और साथ ही संचालन व्ययों, जो संचालन व्यय है का जो योग है वो क्या है, टोटल संचालन लागत है। तो इस प्रकार से संचालन लागत बराबर बेचे गए माल की लागत प्लस संचालन व्यय। अब संचालन व्ययों में क्या है, प्रशासनिक व्यय सम्मिलित है। संचालन व्यय में जो है कौन कौन से व्ययों को हम सम्मिलित करते हैं, प्रशासनिक व्यय हो गए, विक्रय से जुड़े हुए व्यय हो गए, वितरण से जुड़े हुए व्यय हो गए, साथ ही जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है वित्तीय व्यय, इनको भी सम्मिलित किया जाता है। यहां पर संचालन अनुपात में जो है गैर, ये ध्यान रखें, गैर संचालन आय एवं व्ययों को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका उत्पादन एवं विक्रय में कोई संबंध नहीं होता। अर्थात ऐसी आय और ऐसे व्यय जो संचालन से जुड़े नहीं है, तो गैर संचालन आय एवं गैर संचालन व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि उनका उत्पादन और विक्रय से कोई संबंध यहां पर नहीं है। तो यहां पर संचालन जो अनुपात है वो हमें क्या बताता है, संचालन लागत क्या बताता है, संचालन से जो आय है और संचालन लागत के बीच में जो क्या संबंध है, इस चीज को यहां पर ये बताता है। संचालन लागत, जो पुनः बता रहा हूं, संचालन लागत से यहां पर जो अभिप्राय है वो क्या है, बेचे गए माल की लागत प्लस संचालन व्यय के योग से संबंधित है। और संचालन व्यय कौन कौन से हैं, प्रशासनिक व्यय हो गए, विक्रय व्यय हो गए, वितरण व्यय हो गए, इसके साथ साथ वित्तीय व्यय हो गए। तो अब हम यहां देखेंगे कि संचालन अनुपात की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। तो इसका जो सूत्र है वो है संचालन अनुपात बराबर संचालन लागत बटे कुल विक्रय इंटू 100। अर्थात व्यवसाय की जो संचालन लागत है उसमें हम भाग देंगे कुल बिक्री का और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से, तो हमें संचालन अनुपात की प्राप्ति होगी। अब यदि संचालन लागत स्पष्ट नहीं दी है तो इसको हमें ज्ञात करना होगा, जो भी मैंने बताया कि बेचे गए माल की लागत प्लस संचालन व्यय बराबर क्या होता है, संचालन लागत। तो जब सवाल में संचालन लागत नहीं दी है तो बेचे गए माल की लागत दी है, उसमें हम जो है संचालन व्ययों को जोड़ देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, संचालन लागत आ जाएगी। और फिर उसके आधार पर हम जो है संचालन अनुपात की गणना करेंगे, जिसका सूत्र है संचालन लागत बटे कुल बिक्री इंटू 100। इसी से जुड़ा हुआ यहां पर हम सवाल देखते हैं कि किसी व्यवसाय में संचालन की लागत जो है बिक्री की लागत 4,86,000 रुपए है। यहां पर जो संचालन की लागत है
वो क्या, अर्थात बिक्री की लागत, बेचे गए माल की लागत कितनी है, 4,86,000 रुपए। और जो संचालन व्यय है वो है 1,54,000 रुपए। यहां पर संचालन से जो आय है, अर्थात क्या है, बिक्री, संचालन से जो आय अर्थात बिक्री, वो कितनी है, 8,00,000 रुपए। तो हमें संचालन अनुपात की यहां पर गणना करना है। तो सूत्र जो मैंने बताया था आपको, संचालन अनुपात बराबर संचालन लागत गुणित 100/ कुल विक्रय। अब यहां पर हमें चूंकि संचालन की पहले क्या करना पड़ेगी, लागत, इसको हमें निकालना पड़ेगा, संचालन लागत को ज्ञात करना पड़ेगा। तो संचालन लागत का जो सूत्र है, संचालन लागत बराबर विक्रय माल की लागत बटे संचालन व्यय, जो अभी पूर्व में बताया मैंने कि संचालन लागत को ज्ञात करने के लिए जो है विक्रय बेचे गए माल की जो कुल लागत है उसमें हम संचालन व्यय को जोड़ देते हैं। तो यहां पर जो है हमारे पास बेचे गए माल की जो लागत है वो कितनी है, 4,86,000। तो यहां पर हमें 4,86,000 जो ये संचालन लागत ज्ञात करने के लिए, विक्रय माल की लागत 4,86,000। फिर संचालन व्यय दिए हुए हैं, संचालन व्यय 1,54,000 ये दिए हुए हैं, तो ये हमने इसको जोड़ दिया 1,54,000, तो ये टोटल क्या आ गई, 6,40,000। ये क्या आ गई, संचालन लागत, ये संचालन लागत बराबर कितनी आ गई हमारे पास, 6,40,000। अब यहाँ जो सूत्र था हमारा संचालन अनुपात का, उस पर हमने यहाँ पर फिगर को भर दिया, तो संचालन लागत हमारे पास कितनी आ गई, तो 6,40,000। तो 6,40,000 बटे कुल बिक्री, कुल बिक्री कितनी हमारे पास, 8,00,000 रुपए है, तो इंटू 100। तो ये संचालन जो अनुपात है ये कितना आया, 80%। इस हिसाब से जो है यहाँ पर जो है संचालन अनुपात की हमने गणना की। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है, निम्न सूचनाओं के आधार पर संचालन अनुपात की व सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ पर जो है हमें संचालन अनुपात और सकल लाभ अनुपात की गणना करना है। संचालन से जो आय है वो कितनी है, 2,40,000, और संचालन से आय की लागत जो है वो कितनी है, 80,000। विक्रय व्यय जो है वो है 60,000, और प्रशासनिक व्यय जो है वो हमारे पास 40,000। तो पहले हम सकल लाभ अनुपात की गणना करते हैं। तो सकल लाभ बराबर हमें क्या बताता है, संचालन से आय माइनस संचालन से प्राप्त आय की लागत। तो हमें संचालन से जो आय है वो हमारे पास कितनी है, 2,40,000, और संचालन से आय की जो लागत है वो है कितनी, 80,000। तो ये हमने माइनस किया तो हमारे पास सकल लाभ जो है वो कितना आ गया, 1,60,000। ये 1,60,000 हमारा क्या आ गया, सकल लाभ। तो सकल लाभ अनुपात ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है हमारा, सकल लाभ बटे संचालन से आय इंटू 100। तो ये 1,60,000 बटे 2,40,000 इंटू 100, तो ये आया कितना, 66.67% सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ अनुपात। अब जो दूसरा हमें ज्ञात करना है, संचालन अनुपात, यहां पर संचालन लागत। तो संचालन लाभ अनुपात ज्ञात करने के लिए जो है हम पहले संचालन लागत की गणना करते हैं। तो संचालन लागत में जो है 80,000 रुपए जो है हमारा संचालन से आय, प्लस जो बिक्री व्यय हुए हैं 60,000, और जो प्रशासनिक व्यय है वो कितने हो गए, 40,000। इस प्रकार से टोटल जो है 1,80,000 रुपए जो ये क्या है, संचालन की लागत हमारे सामने आ गई। अब संचालन अनुपात का जो सूत्र है, ये संचालन लागत बटे संचालन से आय इंटू 100। तो संचालन से लागत जो है हमारे पास कितनी आ गई है, 1,80,000 रुपए बटे कुल बिक्री जो है, ये संचालन से आय कितनी है, 2,40,000 रुपए। तो ये इंटू 100 बराबर ये 75%। तो ये कितना आ गया, संचालन अनुपात जो है हमारा 75%। इस प्रकार से यहां पर हम सकल लाभ अनुपात और संचालन
लागत अनुपात की यहां गणना करते हैं। चौथा बिंदु जो इसी से जुड़ा हुआ है, इसी में व्यय अनुपात, अर्थात विभिन्न व्ययों के बीच में जो हम यहां पर अनुपात ज्ञात करते हैं, तो ये अनुपात जो है विभिन्न संचालन व्ययों और संचालन से आय विक्रय के मध्य जो है संबंध स्थापित करता है। ये अनुपात हमें ये बताता है कि विक्रय का कुल कितना भाग विभिन्न संचालन व्ययों ने ग्रहण किया है, अर्थात जो कुल विक्रय हुआ है उस विक्रय में विभिन्न जो संचालन व्यय हैं उनका कितना हिस्सा उसमें वहां पर ग्रहण किया हुआ है, यह व्यय अनुपात हमें बताता है। तो यह व्यय अनुपात में पहला जो है प्रशासनिक व्यय अनुपात, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर रेटियो, जो प्रशासनिक व्यय अनुपात है इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है, जो कुल प्रशासनिक व्यय है इंटू 100 बटे कुल विक्रय, अर्थात कुल विक्रय में प्रशासनिक व्यय का अनुपात कितना है इस सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। वहीं दूसरा जो है बिक्री एवं वितरण व्यय अनुपात, यह भी हमें यह बताता है कि कुल बिक्री में बिक्री और वितरण व्यय एक्सपेंडिचर जो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का हिस्सा कुल बिक्री में कितना है। तो इसका सूत्र है बिक्री व वितरण व्यय इंटू कुल बिक्री इंटू 100, बिक्री व वितरण व्यय इंटू 100 डिवाइड बाई कुल बिक्री। तीसरा जो है यहां वित्तीय व्यय अनुपात, जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर रेटियो है, ये ज्ञात करने के लिए हम जो जितने वित्तीय व्यय हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर अपॉन कुल बिक्री इंटू 100, तो इस हिसाब से यहां पर जो है हम व्यय अनुपात की गणना जो है कुल बिक्री के आधार पर करते हैं। तो ये बताता है हमें कि जो कुल बिक्री है उसमें कितना भाग विभिन्न संचालन व्ययों ने प्राप्त कर रखा, ग्रहण कर रखा है। तो उसमें हम प्रशासनिक व्यय अनुपात, बिक्री व वितरण व्यय अनुपात और वित्तीय व्यय अनुपात ज्ञात करते हैं। व्यय अनुपात से जुड़े हुए एक यहां पर हम उस सवाल को देखते हैं कि रामपुर के खाते से प्रशासनिक व्यय अनुपात नंबर एक, नंबर दो बिक्री व्यय अनुपात और नंबर तीन वित्तीय व्यय अनुपात ज्ञात करना हमें। तो यहां पर जो है प्रश्न जो दिया है, प्रशासनिक व्यय कितने हैं 80,000 रुपए, बिक्री व्यय दिया है 5,000 रुपए और वित्तीय व्यय जो है वो कितने 12,500 और विक्रय जो है कुल बिक्री वो है 2,25,000 रुपए। तो इसमें जो है हम व्यय का रेटियो निकालेंगे यहां, तो नंबर एक जो है प्रशासनिक व्यय अनुपात बराबर प्रारंभिक जो ये प्रशासनिक व्यय है, प्रशासनिक व्यय बटे कुल बिक्री इंटू 100। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रशासनिक व्यय हमारे पास कितने हैं 80,000 रुपए, कुल बिक्री कितनी है 2,25,000 रुपए, तो 80,000 × 100 बटे 2,25,000 बराबर ये परसेंटेज निकला 35.56 प्रशासनिक व्यय अनुपात, प्रशासनिक व्यय अनुपात बराबर 35.56%। फिर दूसरा जो है बिक्री वितरण व्यय अनुपात, ये हम ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र जो है बिक्री और वितरण व्यय गुणित 100 बटे कुल बिक्री इंटू 100। तो यहां पर बिक्री और वितरण व्यय हमारे पास कितने हैं 5,000 रुपए, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 2,25,000 कुल बिक्री जो है इंटू 100, तो ये आया 2.22%। तो ये क्या है बिक्री वितरण व्यय अनुपात, ये बिक्री वितरण व्यय अनुपात हमें प्राप्त हुआ 2.22%। तीसरा जो है वित्तीय व्यय अनुपात ज्ञात करेंगे हम, इसका भी सूत्र है जो है वित्तीय व्यय डिवाइडेड बाई कुल बिक्री इंटू 100। तो यहां पर जो हमारे पास फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर की जो फिगर है वो कितना है 12,50,000 रुपए, 12,50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख
25,000 कुल बिक्री इंटू 100, तो ये इसका परसेंटेज आया यहाँ पर 5.56%। तो ये क्या है? वित्तीय व्यय अनुपात, वित्तीय व्यय अनुपात बराबर 5.56%। तो ये जो है यहां पर जो है विभिन्न व्यय अनुपात की गणना हमने सवाल के माध्यम से की। इससे जुड़े हुए कुछ एक आवश्यक छोटे प्रश्न है जिसमें हम पूर्व में देख चुके हैं, इनको हम पुनः एक बार यहां देखते हैं। अनुपात विश्लेषण से क्या आशय है? तो दो या दो से अधिक मदों के मध्य नियमबद्ध एवं तर्कयुक्त संबंध स्थापित कर उनका विश्लेषण करना जो है अनुपात विश्लेषण कहलाता है। जब ये मदें वित्तीय विवरण से ली जाती हैं तो इन्हें हम लेखांकन अनुपात कहते हैं। तो परीक्षा में जो है 2 नंबर 3 नंबर का ये क्वेश्चन जो इस तरह से आते हैं वो समसार के रूप में आपको यहाँ बता रहे हैं कि अनुपात विश्लेषण से क्या आशय है, समझाइए। दूसरा जो है सकल लाभ अनुपात से आप क्या समझते हैं या इससे क्या आशय है? तो सकल लाभ अनुपात क्या है? सकल लाभ अनुपात जो है वो व्यवसाय की प्रमुख व्यवसायिक क्रियाओं से आय अर्जित करने की क्षमता को बताता है। अर्थात सकल लाभ अनुपात हमें ये बताता है कि व्यवसाय के द्वारा जो विभिन्न व्यवसायिक क्रियाएं की जा रही हैं वो उससे आय किस प्रकार से वो प्राप्त कर रहा है, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता को बताता है। अब यदि सकल लाभ अनुपात में वृद्धि है, सकल लाभ जो है का जो रेटियो है वो यदि ऊपर है, वृद्धि है, तो इसका मतलब क्या है? वो उत्पादन लागत में कमी को बताता है। अर्थात उत्पादन की जो लागत है वो हमें कम आ रही, तभी हमारा सकल लाभ अनुपात जो है वो क्या हो रहा, बढ़ रहा है। इसके विपरीत ये बताता है यदि ये अनुपात कम होता है, सकल लाभ अनुपात कम होता है, इसका मतलब क्या है? उत्पादन लागत बढ़ने का संकेत देता है। तो सकल लाभ अनुपात से जो आशय है वो ये है। तीसरा जो है बेचे गए माल की लागत की गणना किस प्रकार से करते हैं? तो इस प्रकार से करते हैं, इसकी जो है बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय, प्लस क्रय से संबंधित व्यय, इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस अंतिम स्टॉक को हम घटा देंगे। और दूसरे प्रश्न है शुद्ध लाभ अनुपात क्या कहलाता है? तो शुद्ध लाभ अनुपात जो है व्यवसाय की कार्यशील क्षमता को प्रदर्शित करता है। शुद्ध लाभ अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही प्रबंध का व्यवसाय पर नियंत्रण व संचालन क्षमता में वृद्धि का प्रतीक है, वो कहलाता है यहाँ पर शुद्ध लाभ अनुपात। फिर संचालन व्यय से क्या आशय है? संचालन व्यय के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय, विक्रय से जुड़े हुए व्यय, वितरण व्यय के साथ वित्तीय व्ययों को शामिल किया जाता है। अर्थात संचालन व्यय वे व्यय हैं जिनके अंतर्गत है विभिन्न प्रशासनिक व्यय, विक्रय से जुड़े हुए व्यय, वितरण व्यय और वित्तीय व्ययों को शामिल किया जाता है, वे संचालन व्यय के अंतर्गत आते हैं। फिर लेखांकन अनुपात के जो है कोई दो प्रमुख लाभ बताइए। तो नंबर जो है लेखांकन अनुपात के द्वारा व्यवसाय की उन कमजोर क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है जहां कमी या समस्या है, उनमें सुधार किया जा सकता है। और दूसरा बिंदु जो है लेखांकन अनुपात जो है व्यवसाय द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की सार्थकता एवं कार्यक्षमता का पता जो है से लगाया जा सकता है।